हेलो नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू मोटर ग्रिप। तो आज के इस वीडियो में हम TVS XL 100 कम्फर्ट और XL 100 हैवी ड्यूटी का कंपैरिजन वीडियो देखने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न है कि कौन सी ज़्यादा उनके लिए बेहतर है। तो कुछ भी आगे से बढ़ने से पहले मैं आपको प्राइस बता देता हूँ। अगर आप ये लेते हैं तो आपको 49,500 पे करने होंगे एक शोरूम, और इसके लिए आप अगर आप जाते हैं तो 59,000 समथिंग कुछ पे करने होंगे। तो ज़्यादा फ़र्क नहीं है हैवी ड्यूटी और कंफर्ट में, आपको उसके लिए 1,500 रुपये ज़्यादा पे करने होंगे। इसमें 1,500 आपके बचेंगे। इसमें आपको तीन मॉडल आते हैं, एक स्पेशल एडिशन, एक कंफर्ट और एक ये जो हैवी ड्यूटी मैं कर रहा हूँ। तो अगर आप मेरी नज़रिए से देखो तो ये मोपेड कौन खरीदेगा, मतलब जिनको ज़्यादा सामान कैरी करके दूर जाना रहता है, जिनको ज़्यादा वेट रहता है गाड़ी पे, तो आप बोलेंगे उनके लिए तो गियरलेस स्कूटर भी इस टाइप की। तो ऐसा नहीं है, इसमें गियरलेस स्कूटर में प्रॉब्लम क्या है, एक तो व्हील्स छोटे होते हैं और प्राइस भी इनकी ज़्यादा महंगी होती है, और जो गियरलेस स्कूटर होती है वो उतनी ज़्यादा लोड लेके इफेक्टिव नहीं बन पाती है जितनी कि आपने देखा होगा अपने गली मोहल्ले में। काफ़ी आते हैं लोग इस पर सब्ज़ी बेचने या फिर कपड़े वपड़े रख के बेचने आते हैं इन पर, तो काफ़ी ज़्यादा ये लोड उठा लेती है। अगर इसके पेलोड कैपेसिटी की बात करें तो 130 केजी, आप या हैवी ड्यूटी लें या फिर कम्फर्ट लें, आपको वो 130 केजी पेलोड है। इसमें तीन वेरियंट आते हैं, हैवी ड्यूटी, कम्फर्ट और आपको एक स्पेशल एडिशन। तो अभी बदलाव की बात करते हैं इसमें। तो सबसे पहले अगर आप नोट करोगे तो रिफ्लेक्टर आपको यहाँ भी दिए जा रहे हैं, उसमें भी दिए जा रहे हैं, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बट आपको यहाँ पे देखोगे इसमें आपको वाइज़र देखने को यहाँ पे मिलता है TVS के स्टिकर के साथ, इसमें आपको ऐसा खुला देखने को मिलता है। तो ये एक थोड़ा क्लासिक टाइप का लगता है, गोल गोल टाइप का, राउंड शेप का, इसमें भी गोल है लेकिन ये थोड़ा लगने से थोड़ा अट्रैक्टिव देखने में लगता है, और वो थोड़ा सा मतलब यूँ मायूस टाइप का। DRLs कॉमन रखे गए हैं दोनों में, नो डाउट। आप चाबी ऑन करेंगे तो आपके DRLs जल जाएंगे। खैर, इसमें बैटरी अभी इंस्टॉल नहीं की गई है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। दूसरी चेंज की बात करेंगे तो आपको जो ये टेलीस्कोपिक है सॉकल जो, वो सिल्वर कलर के प्रिंटेड है, बट आप इसमें मैट कलर ब्लैक में देख सकते हैं। आप या हैवी ड्यूटी लें या फिर आप ये कम्फर्ट लें, दोनों में आपको कॉम्बी ब्रेक सिस्टम देखने को मिलते हैं। अगर आप पीछे वाला ब्रेक दबाएंगे तो आप देख सकते हो आगे वाला भी हल्के हल्के लग रहे हैं। इसमें भी सेम चीज़ दी गई है, पीछे वाला दबाओगे तो आगे भी ब्रेक लगेंगे। ये बेसिकली 70-30 का रेशियो रहता है, 70% ब्रेक पीछे चाहिए और 30% आगे, जिससे स्किड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। इसमें आपको बेसिकली तीन कलर ऑप्शन देखने को मिलते हैं, ये जो आप सामने देख रहे हैं, एक ये ब्लू कलर में आती है और एक सिल्वर कलर में आती है। बट अगर आप हैवी ड्यूटी के लिए जाते हैं तो आपको इसमें ढेर सारे कलर ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, मरून कलर है, एक रेड आती है, एक ब्लैक आती है, एक ग्रीन आती है डीप ग्रीन में। तो इसमें काफ़ी सारे कलर ऑप्शन, बट यहाँ फ़र्क देखें आप, इसमें स्प्लिट सीट दी गई हैं हैवी ड्यूटी में, आप इसको हटा भी सकते हैं। ये सीट को आप हटा के यहाँ पे देख सकते हैं, नीचे फ्रेम दी गए हैं, यहाँ पे आप सामान रख सकते हैं। बट इसमें आपको कंफर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है, कुशनिंग दोनों की मुझे सेम लग रही है, लेकिन इसकी थोड़ी ज़्यादा बेहतर है, यहाँ पे पीछे में भी दिए गए हैं, जिससे आप कोई प्रॉब्लम नहीं है। और माइलेज की बात करें तो 50 निकाल के ये गाड़ी आराम से दे सकती है, अगर आप इसे थोड़े लोड के साथ खींचेंगे तो, वरना डेली के बेसिस पे आपको 50 से ऊपर ही माइलेज देगी दोनों गाड़ी को, नो डाउट। और ये बात करें दोनों में, तो दोनों इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर सेम है, बट आपको इसमें दोनों में अंतर क्या है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक मोबाइल चार्जिंग होल्डर यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं, एक यहाँ पे मोबाइल चार्जिंग होल्डर दिया गया है, बट इसमें आपको नहीं है। और जैसे कि बहुत से कस्टमर का डिमांड था कि इसमें सेल्फ नहीं है, कीक मारनी पड़ती है, तो अब ये सेल्फ के साथ आ गई है दोनों। जो भी तीन मॉडल लेंगे, स्पेशल एडिशन या फिर कम्फर्ट या फिर हैवी ड्यूटी, तीनों में सेल्फ आ गई है। सेल्फ के साथ साथ दोनों गाड़ी में आपको किक का भी ऑप्शन रखा गया है। अगर आप कंफर्ट की बात करोगे तो मेरी हाइट है 5.7 इंचेस, और अगर मैं यहाँ पे ऐसे बैठूँ तो सही है, ऐसे सिटिंग पोजीशन सही है। और यहाँ पे आप हुक देख सकते हैं, अगर आप कुछ भी कैरी बैग है आपके पास तो यहाँ पे आप हुक में की मदद से रख सकते हो, दोनों गाड़ी में दी गई हैं। तो ऐसे कम्फर्ट वाइज तो सही लग रहा है, ऐसे अगर मैं यहाँ पे रखूँ तो यहाँ थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करेंगे तो दोनों का आप सेम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम, बस ये थोड़े वाइज़र के कारण थोड़े अच्छे लगते हैं। 80 तक इसकी टॉप स्पीड यहाँ पे शो की गई है, ये साइड इंडिकेटर है, ये हाई बीम, यहाँ पे एक चेक लाइट दिया गया है, इंजन मालफंक्शन लाइट है, यहाँ पे फ्यूल लाइट है जो पहले नहीं हुआ करती थी। अगर आपका ये फ्यूल कम रहेगा, मतलब एक लीटर 300 ml रहेगा, तो ये ब्लिंक कर जाएगी, उसके बाद आप फ्यूल डलवा सकते हैं यहाँ पे। और इसमें भी आपको सेम चीज़ दी गई है, क्योंकि अब ये फ्यूल इंजेक्शन हो गई है, यहाँ पे देख सकते हैं ETFI यानी इको थ्रस्ट फ्यूल इंजेक्शन दोनों में आ गई है, इसमें भी आ गई है, आप देख सकते हैं
ETF है, मतलब इसमें फ्यूल इंजेक्शन आ गया है, जिसमें कार्बोरेटर हट चुका है, आप इसके जगह आप एक की गया है, जिसके कारण ये माइलेज अब ज़्यादा देगी पहले के मुकाबले। तो इसलिए मैंने बताया कि जैसे ही आप ये ब्लिंक लाइट करें पेट्रोल की, तो आप पेट्रोल तुरंत लेने, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे आप, तो आपकी जो टंकी में मोटर लगी रहेगी, फ्यूल पंप जो रहेगा इंजेक्शन का, वो जल जाएगी, फिर आपके पॉकेट से भारी नुकसान हो जाने वाला है। तो इसके लिए आप 1.5 लीटर पेट्रोल इसमें रखें, 4 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है दोनों की। 100cc का इंजन यूज किया गया है, जो कि 6.5 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करता है और 4.3 bhp। एक चीज़ आप और गौर करेंगे तो आई टच स्मार्ट यहाँ पे लिखा गया है, ये बेसिकली और कुछ नहीं, जो आई स्मार्ट होती है हीरो की गाड़ी में, जैसे ट्रैफिक में रात इसको ऑन कर दिया तो थोड़ी देर बाद गाड़ी बंद हो जाएगी, फिर ऐसे किया तो चालू हो जाएंगी। बाकी फ़र्क की बात करेंगे तो यहाँ पे ग्राफिक्स में आप यहाँ पे देख सकते हैं, ग्राफिक्स में थोड़े इस टाइप के हैं, इसमें थोड़े शार्प ग्राफिक यहाँ पे यूज़ किए गए हैं। बाकी ज़्यादा चेंज नहीं है, जो मैंने बताया वही है, इसमें चार्जर है, उसमें चार्जर नहीं है, थोड़ी इसके फ़र्क है, उसमें वाइज़र नहीं है। पीछे की लुक की बात करें तो दोनों की सेम लुक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, बस इसमें आपको ये चीज़ ऐड कर दी गई है, बाकी पीछे की लुक आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए, अगर पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।